लोगों के लिए जरूरत की मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली और मकान। लेकिन हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के पंचायत फतेहपुरा पर थलिया व पाटिया के बिल बस्ती में सरकार द्वारा 10 साल पहले बिजली कनेक्शन के मीटर लगवाए गए और साथ ही साथ बिल भी आ गए, लेकिन आज तक वहाँ पर बिजली नहीं आ पाई है। हमारे इधर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, कम से कम 10-15 साल से मीटर लगा हुआ है और किसी को लाइट बिल भी आया है बीच बीच में, और ये परेशानी है। मीटर लगा के कितने साल हो चुके हैं और कितने बार बिल आया आपके? मीटर लगे हुए कम से कम 10-12 साल हो गए और एक दो बार बिल आए थे। लाइट नहीं है तो परिवार में बहुत दिक्कत है, बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते और अंधेरे में कुछ काम नहीं कर सकते। अगर लाइट नहीं होने से रात को कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से रात को उठा के लेके जाना पड़ता है। कम से कम रोड 2-3 किलोमीटर लंबा पड़ता है, तो लाइट अगर हो जाएगा तो वो मतलब रोड भी हो जाएगा तो हम लोग कोई गाड़ी आड़ी बुला के निकल जाते हैं, वो रात मतलब जंगल पड़ता है, इसलिए कैसे जावे। पानी के लिए 3 साल पहले पंचायत द्वारा प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन सुचारू रूप से पानी अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों को परेशानी व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से हम लोग पानी ले जाते हैं और ये बावड़ी में पानी जानवर पीते, गाय भैंस इसी में पीते और कुत्ते भी सर इसी में पीते, और ये बावड़ी से हम लोग पानी पी रहे, और ये पानी ये बावड़ी से भर के हम लोग यह कम से कम इतना सड़ाव है, इतने ऊपर लेके जाना पड़ता है। ये पानी से पीने से हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, ये पानी खराब है सर। और ये पानी नाले के मतलब एक मतलब नाले में आ गया तो बारिश के टाइम में बारिश का पानी इसी कूड़े में गिर जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग पानी ये पी भी नहीं सकते और पीते तो पानी से बीमार पड़ जाते हैं। पानी की जो पाइपलाइन है यहाँ पे तो वो उसमें क्यों पानी नहीं आ रहा है? पाइपलाइन डाली हुई है सर पानी की, लेकिन पानी लंबा बहुत पड़ रहा है, कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा है, तो वो मतलब प्लास्टिक की पाइप डाली हुई है, वो पाइप फट जाती है, पानी वहाँ से देता है तो पाइप फट टूट जाती है रास्ते में। तो अधिकारी ने क्या कहा, सीओ साहब के अधिकारी ने क्या पानी की सुविधा करेंगे, ऐसी बात नहीं, तुम्हारा रोड भी करवाएंगे ऐसा बोला है, रोड के लिए बोला है, लेकिन हो रहा नहीं सर, बहुत दिन से ऐसा हो रहा है। लाइट के लिए क्या बोला है? लाइट के लिए बोला थंबा पहुँचवा देंगे, चालू करवा देंगे वापिस ठेकेदार को बुला के। ठेकेदार बोला तो हमारा महंगा पड़ रहा है, मैम तुम्हारे लाइट नहीं पहुँचा सकता हूँ, पैसे कम दे रहे सरकार तो हम नहीं पहुँचा सकते, ऐसा करके वो भाग गए सर। सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए तो उन्हें मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे पंचायत समिति खमनौर विकास अधिकारी महोदय जिनके नंबर है 2953-5852 से, उन्हें फोन कर इस समस्या का समाधान करने के लिए दबाव बनाए ताकि लोगों को सुविधा का लाभ मिल सके, वो उन्हें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। मैं शंभुराज सवर फतेहपुरा पंचायत से, इंडिया अनट के लिए।